गाइस आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें फाइनली पता चल चुका है कि हमारा फिफ्थ मेंबर कौन होने वाला है हमारी कोडी रोड्स और सेथरोलिस वाली फेस टीम का वॉर गेम्स के अंदर। तो गाइस वो मेंबर कौन होने वाला है आपको वीडियो के एंड तक जरूर बताएंगे। और गाइस उसके अलावा है ना हमारे जेउस और ड्रू मैकइंटायर का मैच भी देखने को मिला और गाइस इसके बाद ये तगड़ी वाली अनाउंसमेंट निकल के आई है। तो गाइस आज के शो की स्टार्टिंग करते हैं हमारे ड्रू मैकइंटायर और वो बताते हैं अपने रीजन कि वो क्यों फेस टर्न से हील टर्न हुए, क्योंकि उन्होंने हील टर्न इस वजह से किया है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट थे बहुत सारी बुकिंग से। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट वो ये थे कि जो जेउस है वो हमारी मंडे नाइट रॉ के ऊपर आया है और मंडे नाइट रॉ के ऊपर जितने भी ज़्यादातर सुपरस्टार जिसके साथ वो मिला हुआ है गाइस उसको हर एक इंसान को उसने धोखा दिया और एक से भी उसने सॉरी नहीं बोला कभी भी। मतलब कि यही बात कह रहे थे हमारे ड्रू मैकइंटायर और कन्फ्रंट कर रहे थे। इसके बीच हमारे जेउस देखने को मिले और गाइस जेउस ने अपना बताया कि तूने मेरे ऊपर अटैक करा और ये और वो, मतलब पूरे रीजन चल रहे थे। गाइस इसके अलावा हमारी पूरी फेस टीम यहाँ पर आ जाती है और उसके बाद फिर गाइस हमारे जो जजमेंट डे भी पूरी यहाँ पर खड़ी हो जाती है और गाइस हमें फाइट होने ही वाली रहती है। गाइस उसके पहले ही हमारे जो एडम वियर थे उन्होंने बोल दिया कि कभी एक ही बंदे ने एक दूसरे को ऊपर अटैक करा तो मैं सबको है ना फाइन लगा दूंगा और बैन कर दूंगा WWE के अंदर से। तो इसके बाद तो गाइस पूरे सुपरस्टार की फटके हाथ में आ गई थी और उन्होंने किसी ने एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करा। पर गाइस यहाँ पर फिर है ना हमारी जो फेस टीम में गाइस एडम पियर्स ने क्लियर कर दिया कि वो फेस टीम के अंदर जो फिफ्थ मेंबर है उसकी शाम तक आज रात तक ना पता चल जाना चाहिए कौन सा वो मेंबर होने वाला है। ऑफिशियली उसकी अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए हमारी फेस टीम की तरफ से, नहीं तो उनको पूरी तरीके से मैच को है ना बिल्कुल डिस्क्वालीफाई कर देंगे और गाइस हमारी फेस टीम का कोई मैच नहीं देखने को मिलेगा हमारे बोर्ड गेम्स के अंदर। मतलब सीधी बात है ये हिंट दे रहे थे कि आज के मेन इवेंट से पहले मतलब मेन इवेंट के बाद जो भी उसमें है ना अनाउंसमेंट करनी होगी कि कौन सा एक सुपरस्टार होने वाला है। और गाइस फिर इसके बाद चलते हम डायरेक्ट अगले सेगमेंट पे। तो हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल का मैच देखने को मिला, वो था लुडविग केसर और हमारे अपनी गार्गेनो के बीच में। और गाइस ये मैच उनकी काफ़ी दिनों से राइवलरी चल रही है और गाइस इसमें जो सबसे खास बात ये थी कि हमारे गुंथर के जो एक और थर्ड पार्टनर नहीं है, फिर सेकंड पार्टनर तो लुडविग केसर है और थर्ड पार्टनर वो गंजे से डिवांची केवंची क्या नाम है उनका गाइस वो आते हैं। और गाइस इसके बाद इन दोनों के बीच थोड़ी तकरार देखने को मिल रही है लुडविग केसर और तो दामिंची के बीच में। और गाइस इसके बाद यहाँ पर है ना हमारे जोनी गार्गेनो जीत जाते हैं गाइस और इसके बाद थोड़ा बहुत इनके बीच में थोड़ी बहुत तकरार देखने को मिल रही है और गाइस इसका बहुत थोड़ा बहुत चल रहा है देख लग रहा है बहुत जल्दी इनकी टीम टूटने वाली है। गाइस इसके बाद शिंचू को नाकामुरा और हमारे चैड गेबल का मैच देखने को मिलता गाइस ये बिल्कुल टॉप नॉच मैच था और गाइस इसकी उम्मीद थी हमें तो मंडे नाइट रॉ के ऊपर और गाइस काफ़ी अच्छी मैच करा था और शिंचू को नाकामुरा जीत गए और काफ़ी अच्छी प्लानिंग हो सकती है उनके आगे फ्यूचर में। हमारे मिस टीवी मतलब कि हमारे मिस और हमारे गुंथर के बीच में एक प्रोमो देखने को मिला और गाइस प्रोमो और में काफ़ी अच्छी है तो दोनों ने एक दूसरे की बात करी और बताया कि मतलब वो जो हमारे मिस है ना वो एट टाइम मतलब इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनने वाले हैं और वो तो गुंथर को हरा था कि मतलब पूरी तरीके से गुंथर को ट्रोल कर रहे थे और गाइस गुंथर बार बार उनके ऊपर अटैक करने के लिए उकसा रहे थे और गाइस फाइनली हमारे मिस अटैक कर देते हैं और गाइस यहाँ पर गुंथर बहुत बुरा पीटने लग जाते हैं जब हमारे मिस लो ब्लो लगा देते हैं और गाइस फाइनली इसके बाद है ना हमारे मिस अपना आता हूँ फिनिशर भी लगाते हैं अपना स्टैंड कोल्ड करते हैं हमारी चैंपियनशिप के साथ। और गाइस यहाँ पे बिल्कुल क्लियर मिल चुका है हमें डाउट कि गाइस हमारे जो सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर है ना इन दोनों का मैच होने वाला है पर गाइस क्लियर सी बात है हमारे गुंथर इनसे बिल्कुल नहीं हारने वाले। गाइस इसके बाद एक फाइनली हमें मेन इवेंट के अंदर मैच देखने को मिला हमारे ड्रू मैकइंटायर और जेउस के बीच में और गाइस ये दोनों सुपरस्टार के बीच में काफ़ी अच्छी राइवलरी चलने वाली है ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है फ्यूचर के अंदर क्योंकि गाइस दोनों के अंदर काफ़ी अच्छी केमिस्ट्री देखने को मिली और गाइस ये मैच काफ़ी अच्छा देखने को मिला मतलब कि शुरू से आखिरी तक इन दोनों ने काफ़ी अच्छा मैच रिजल्ट करा और खासतौर पर हमारे ड्रू मैकइंटायर ने पूरे मैच के अंदर डोमिनेट करा। और गाइस सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो इसके रिजल्ट के मुंह पे आते हैं क्योंकि गाइस यहाँ पर जो रिजल्ट आया वो गाइस बिल्कुल क्लियर तरीके से हमारे ड्रू मैकइंटायर ने एक DDT लगाकर वो फ्यूचर चॉक DDT करके कुछ लगाते हैं गाइस उन्होंने अपना फिनिशर में आई वो यूज करा और गाइस यहां पर क्लियर तरीके से हरा दिया हमारे जेउस को। और गाइस ये थोड़ा शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिला क्योंकि गाइस हमारे ड्रू मैकइंटायर हील टर्न करने हैं पर गाइस उनको काफी ज्यादा डोमिनेंट बताया गया पूरे मैच के अंदर। और गाइस इसके बाद खास चीज देखने को मिली कि हमारे ड्रू मैकइंटायर जेउस के ऊपर शायद अटैक करने लगी थी जजमेंट डे के साथ तो गाइस इसके बाद हमारी पूरी फेस टीम आ जाती है और गाइस यहां पर इन दोनों को मतलब बिल्कुल तगड़े वाले ब्रॉल स्टार्ट हो जाती है और गाइस यहां पर हमारे जो फेस टीम है गाइस वो स्टैंड टॉल करती है और सबको बाहर भगा देती है पूरी जजमेंट डे को एक साथ ड्रू मैकइंटायर के साथ। और गाइस फाइनली यहाँ पर हमारे कोडी रोड्स अनाउंस करते हैं जो सुपरस्टार होने वाला है बोर गेम से उनका फिफ्थ मेंबर और वो बताते हैं कि मैंने एक बंदे को कॉल किया और गाइस उसकी लेगेसी अब कंटिन्यू होने वाली वापस WWE के अंदर और गाइस वो बंदा कोई और नहीं होने वाला है। उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया पर गाइस यहाँ पर क्लियर कर दिया कि वो होने वाले हमारे और गाइस वो कोई और नहीं होने वाले वो होने वाले हमारे एपेक्स प्रेडेटर द वाइपर रैंडी ऑर्टन। उन्होंने सिर्फ एपेक्स प्रेडेटर कहा और गाइस इसके बाद तो ऑडियंस का क्या तगड़ा रिएक्शन निकल के आया। और गाइस इसके बाद माइकल कॉल ने माइक के ऊपर कंटिन्यूस करके बता दिया हमें कि वो रैंडी ओटन ही होने वाले फिफ्थ मेंबर सर्वाइवर सीरीज के अंदर और गाइस ये बिल्कुल ऑफिशियल हो चुका है। और गाइस इसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग खुश भी हो गए क्योंकि हमारे रैंडी ओटन अब फाइनल हो चुके हैं और गाइस हमारे सीएम पंक का कोई ज़्यादा पता नहीं है और देखकर लग रहा है सीएम पंक अभी सर्वाइवर सीरीज में अपना डेब्यू नहीं करने वाले WWE के अंदर। तो गाइस आज का आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रसल अल्टीमेट को ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर।